तो हेलो दोस्तों, तो कैसे सब आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ महबूब एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल ईवी। आज कुछ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, थोड़े बहुत डिलीवरी के बारे में बात करने वाला हूँ, और थोड़े बहुत जो मूव ओएस 2 रिलीज़ होने वाला है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिलीवरी में डिले देखने मिल रहा है। कल भी मुझे दो तीन लोगों का मैसेज आया था कि उनका स्कूटर डिलीवर हो गया है, और थोड़े लोगों का मैसेज ऐसा भी आया था कि उनका अभी तक डिस्पैच भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिलीवरी लेट का इशू चल रहा है, तो बहुत लोगों का पेंडिंग है। एक बंदी ने तो मुझे मैसेज किया था कि उसका फेब्रुवरी बैच का अभी तक पेंडिंग है। तो ओला क्या कर रहे हो आप, सबका स्कूटर डिलीवरी जल्द से जल्द दे दो, बहुत लोग परेशान हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर आपने थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक है उनको ये कॉन्टैक्ट दिया है डिलीवरी का, तो आप उनसे अपडेट भी ले सकते हो कि क्या क्या हुआ, डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है। जो बंदा फेब्रुवरी में उसका डिलीवर होना था वो अभी तक नहीं हुआ, क्यों आप ऐसे पूछ नहीं सकते उनको। कस्टमर हमें जो बंदा है मुझे मैसेज करके बोल रहा था कि आप फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ओला पे नहीं कर रहा है फेक न्यूज़ पहुंचाने के लिए। मैं जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं वही मैं आगे शेयर करता हूँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। आप जाके इनबॉक्स में भी देख सकते हो, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया कि मुझे डिलीवरी मिल गया है, बट यहाँ पर मैं नहीं डिलीवरी मिले वालों का साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ उनका स्कूटर जल्द से जल्द उनको डिलीवर कर दो। फेब्रुवरी का भी पेंडिंग है, मार्च वालों का भी पेंडिंग है, और आगे जो बुकिंग किया है 499 उनका भी होना बाकी है। तो यहाँ पे आप इतना लेट करोगे तो कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड होके आपका बुकिंग भी कैंसिल कर सकता है, या फिर कुछ और कदम भी उठा सकता है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द, अगर आपने एक महीना टाइम बोला तो एक महीने के अंदर डिलीवरी कर दो, और आप अपडेट लेते रहो कि स्कूटर डिलीवर हुआ है कि नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ओला से जल्द उनका स्कूटर डिलीवर कर दो। तो यहाँ पे जो कल एक तमिलनाडु के बंदे ने एम्बूर जो गांव है वहाँ पे अपना स्कूटर को आग लगा के उसको ये कर दिया, स्कूटर जला दिया पूरा। तो यहाँ पे उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों। तो कल मैंने वीडियो डाला था, तो यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल डाल के पूरा गाड़ी को आग लगा दिया, क्योंकि उनका 3 महीने भी नहीं वो गाड़ी लेके, और बीच में रुक जाता था। तो यहाँ पे सिर्फ 44 किलोमीटर चलने के बाद उनका गाड़ी रुक गया था। तो ये बैटरी जो ड्रॉप इशू आ रहा है उसके कारण हुआ था। मेरा भी बैटरी ड्रॉप इशू आ रहा है, मुझे भी 90 का रेंज दे रहा है, बट मैंने ऐसा नहीं किया कि मेरी गाड़ी को आग लगा के जला दिया। तो उस बंदे ने, जो तमिलनाडु के बंदे ने, गलत किया है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम था तो वो सर्विस सेंटर जाके क्लेम कर सकता था, उसका कुछ भी सोल्यूशन ले सकता था। अभी वो गाड़ी आग लगाने के कारण उसको इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होगा, और उसका पूरा पैसा पानी में चला गया। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अगर वो गुस्से में किया है वो एक बात है, अगर इसको कोई ओला को बदनाम करने के लिए किया है तो ये बहुत ही घटिया बात है। ओला को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो जिनका जिनका स्कूटर है, जिनका प्रॉब्लम आ रहा है वो मंगा के स्कूटर रिसॉल्व करके दे रहे हैं। लेट लग रहा है, सर्विस थर्ड क्लास है, मान रहा हूँ मैं सर्विस एकदम थर्ड क्लास है, मैं आपके साथ हूँ कि सर्विस में उनका इशू चल रहा है, बट वो सॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन जिनका स्कूटर अच्छा चल रहा है वो लोग कंप्लेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उनका स्कूटर अच्छा चल रहा है और उनको एवरेज भी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। तो बात करना चाहता हूँ तमिलनाडु के जो बंदे ने आग लगा के गाड़ी को जला दिया, तो ये एक कुछ साजिश भी हो सकती है ओला की तरफ से, क्योंकि ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेटेड में भी आके अपनी गाड़ी को 1.5 लाख की गाड़ी को आग नहीं लगा देता। अगर उसे कुछ आगे से पेमेंट मिल रहा होगा तो वो किया होगा। अगर ये उन्होंने गुस्से में आके किया तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर दो पहलू हो सकते हैं, हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बजती है दोस्तों, यहाँ पे आपको दोनों हाथ लगाना पड़ता है एक ताली मारने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों कंसिडर कर सकते हैं बात को। तो मेरे राय के अनुसार ये गलत हुआ, ऐसी कोई भी चीज़ को आग लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको कंप्लेंट कीजिए, आप कस्टमर केयर फोरम में जा सकते हैं, वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट को जा सकते हैं, आप वहाँ जाके अपनी गाड़ी का पूरा जो पैसा वो रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो सर्विस नहीं ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो बस
आपको ये नहीं करना था। इससे क्या होता है कि ओला का नाम ख़राब होता है और लोग सोचते हैं कि और एक आग लग गई ओला में। तो यहाँ पे बस वीडियो में यही बोलना था दोस्तों, और आपको एक नया अपडेट देना था मूव ओएस 2 जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो ऑलरेडी वो रोल आउट हो चुका है टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स के लिए, जो अपने स्टाफ के लिए जो टेस्ट ड्राइव के व्हीकल्स होते हैं इनके ओला के, उसमें उन्होंने इंस्टॉल करके यूज़ करना स्टार्ट किया है। थोड़े बहुत इसमें बग्स आ रहे हैं ऐसा सुनने में मिला है, और थोड़ा बहुत ये जो है सॉफ्टवेयर अपडेट डिले हो सकता है। तो अप्रैल एंड तक देखते हैं डिले होगा नहीं होगा, थोड़े बहुत बग्स इसमें आ रहे हैं ऐसा सुनने में आया है। तो टेस्टिंग इसका चालू है, अगर फुल इसका जो बग्स अगर वगैरह नहीं होते हैं तो आपको ये अप्रैल एंड में देखने मिल सकता है। तो फिर उसका मैं डिटेल्स आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में बस यही था दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।